यस बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में एक संस्था है जो नए भारत के निर्माण पर काम करती है और उसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है सरोज देवी फाउंडेशन। सरोज देवी एक ऐसी महिला थी जैसी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो सरोज देवी छाबड़ा एक ऐसी महिला थी जिनने सपना देखा है भारत की महिलाओं को रोग मुक्त करना और हाइजीन देना। क्या देना? हाइजीन। हाइजीन यानी कि स्वच्छता। क्या बेटा? स्वच्छता। तो स्वच्छता रहना हमारा अधिकार है कि नहीं? हाँ। अगर हम स्वच्छ माहौल में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा रहे। तो कई जानकारियां हमको नहीं होती जिस वजह से बार बार बीमारियां, इन्फेक्शन हमको पकड़ के रखता है और हमें बार बार डॉक्टर के जाना पड़ता है, जिससे हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और हम वो नॉलेज नहीं ले पाते जिस नॉलेज को हम लेना चाहते हैं। क्या करना चाहिए हमें? हमें पूरी तरह अपने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें रोज अपने कपड़ों को सही तरीके से साफ करना चाहिए। ये तो पता है आपको। अपने दांतों को दो बार धीरे साफ करना चाहिए। और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो आपको इस फाउंडेशन के माध्यम से दी जाती है। तो आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन? क्या आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? वेरी गुड। तो इस फाउंडेशन के माध्यम से आपको कॉन्टेक्ट करके आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसके माध्यम से रोड ट्रैफिक पर भी काम होता है कि रोड ट्रैफिक में एम्बुलेंस को जाने के लिए हमको जगह देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई बीमार होता है तो गाड़ी को साइड दे दीजिए, लेफ्ट साइड से ताकि वो निकले। और सरोज देवी फाउंडेशन के माध्यम से हम वृक्षारोपण भी करते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करते हैं। और हमें ब्लड डोनेट भी करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको अलाउ करता है तो आपकी हाइट और हेल्थ को देखते हुए, वेट को देखते हुए, क्योंकि कई लोग हमारी ब्लड की वजह से बच सकते हैं। तो हाइजीन पे विशेष काम करता है हमारा फाउंडेशन। और इस पर ट्रैफिक रूल्स, एम्बुलेंस को रास्ता देना, तो प्लांटेशन करना और ब्लड डोनेशन करना और साथ ही साथ लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का भी काम करता है, लोगों को स्वास्थ्य देने का भी काम करता है, भाईचारा बढ़ाने का भी काम ये करता है। तो ऐसे ही भारत होना चाहिए ना अपना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। इसके माध्यम से इस की और जानकारी देने के लिए हम आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।